या हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। आज के वीडियो में हम देखेंगे, जैसे पहले वीडियो में हम देखा था हमने कि एक ईसीटी इंस्टेंस हमने लॉन्च किया था और उसमें हमने फिर एसएसएच करके वो एजेंकिंग इंस्टॉल किया था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अभी किसी ईसीटी इंस्टेंस लॉन्च करूँगा मैं। मैं लिख देता हूँ एजेंकिंग सर्वर 22। ठीक है, इसमें लिखिए 22 मत करिए, मैं एजेंकिंग सर्वर न्यू कर दीजिए। ठीक है, इसमें उबंटू सेलेक्ट। अब इसमें क्या, मैं एक के साथ पूरे यूजर डाटा में कमेंट जो कमांड्स होती हैं वो हम एक साथ दे दूंगा मैं। ठीक है, ये टाइप इस, ठीक है, इंस्टेंस पे। ठीक है, की पेयर मैंने पहले बना लिया था, मैं सेव कर लेता हूँ। ये सिक्योरिटी ग्रुप में दे देता हूँ, इसमें पोर्ट होता है जैंकिंग 8080 के लिए, ये कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी एडवांस, आपको एडवांस डिटेल पे क्लिक करना है और ये स्क्रिप्ट डाल देंगे। ठीक है, ये वही है जैसे हमने पिछले वीडियो पहले इंस्टॉल किया था, पहले सिस्टम को अपडेट किया था, फिर जावा इंस्टॉल किया था, फिर जेंकिंग इंस्टॉल किया था। ये क्या करते हैं हम लोग, जैसे जैसे आपको पूछते तो आपको येस करना पड़ता है, जिसमें क्या हम लोग वाई येस वाई पास करें तो येस अपना ऑटोमेटिकली कर देगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये एरर, ये अबॉर्ट हो जाता है। ये जैसे ये जेंकिंग को स्टार्ट करके अनेबल करो, ये प्रिंट करा जॉइन जेंकिंग इंस्टॉल। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए, मैंने नाम दे दिया है, ये उबंटू दे दिया है। ठीक है, इंस्टेंस टाइप दे दिया, की पे दे दिया है। ठीक है, ये सब बना दी, सिक्योरिटी ग्रुप बना दी जो होते हैं। लॉन्च इंस्टेंस में करता हूँ। ठीक है, इंस्टेंस हो गया है सक्सेसफुली, ये वाला है हमारा। हो रहा है अभी, पेंडिंग में बस हो रहा है। तो एक सेकेंड, ठीक है, रनिंग में आ गया, ये रनिंग में आ गया, इसको क्लिक करिए, है ना। अब पहले तो ये आईपी कॉपी कर लीजिए और देखिए पोर्ट 8080। ठीक है ना, पहले तो उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है, ये है मेरा जो जहाँ पे मेरी फाइल रखी है टेम, वो यस कर देता हूँ मैं। ठीक है, कनेक्ट तो कर लिया मैंने। अब इसको क्या है, आप ये कमांड से आप जो आउटपुट होता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सूडो कैट और ये वेर लॉग, यहाँ पे आपको लॉग मिल जाएंगे। देखिए देखिए हो रहा है सब, है ना। जब ये सारा हो जाएगा तो लास्ट में ये इको प्रिंट करके आ जाएगा। जैसे ही इको प्रिंट करके आ जाएगा तो हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं हमारा। ये अभी तो नहीं आ रही है, हम लोग अपना ये इंस्टेंसेस, ओके, ये सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं। सिक्योरिटी हमने सही दिया है पोर्ट को, है ना। हो रहा है, ये देखिए अभी, है ना। ओके, मैं करता हूँ, ये जो हो रही है ना, जब तक वो इको आ जाएगा तब तो वो आप कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग अप जेंकिंग्स हो गया ना। देखिए आगे, प्लीज वेट, आ गया ना। देखिए आ गया ना, फिर वही आपका पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, कैट और ये सूडो कर दीजिए, सूडो कैट। ठीक है, ये पासवर्ड आ गया है, लेकिन आप इसको रन करके देखेंगे कमांड को, लॉग वाले को, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। ये देखिए जेंकिंग इंस्टॉल आ गया है ना, जो हमने इको में कराया था मैंने। कुछ नहीं, आप ये वो जैसे हमने बताया प्लगइन्स आप इंस्टॉल करना और सेटअप कर सकते हैं जेंकिंग, है ना। तो ये इसलिए बेनिफिट है यूजर डाटा कि भाई हम लोग बल को कल को हमारी की एक कोई स्क्रिप्ट है तो हम लोग वहाँ यूजर डाटा में जैसे ही वो जेंकिंग होगा वो जब सिस्टम सारी कमांड्स एक साथ रन हो जाएंगी वो, है ना। आप कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपको मान लो यूज़र जो डाटा आपने डाला था वो आपको एडिट एडिट करना है, ये तो
क्या करना, पहले आपको ये क्या, ये जो इंस्टेंस चल रहा है वो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, तभी जाके वो एडिट हो पाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कहीं आपको जाना है, कहीं भी आप इंटरव्यू में गए पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो मान लो आपको जैसे ये यूजर डाटा है, क्या चलते में ही एडिट कर सकते हो कि जब उसको स्टॉप करके एडिट करना पड़ेगा? तो हमको पहले ये स्टॉप करना पड़ेगा, फिर उसको यूजर डाटा हम लोग एडिट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।